नेजल कटारिया विद लॉट्स ऑफ एनर्जी. लेट्स स्टार्ट विद दिस 2 मिनट वीडियो. एक क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. क्यों? क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि ICA का आंसर और जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए इसमें हम लोग को ऐसा लगता है कि फर्क है. जो क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ वो कंसिडरेशन और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है. एंड मतलब आप लोगों को कन्फ्यूजन भी इसमें होता है, RTP में भी कई बार आया है. यही क्वेश्चन होता है कि एक मिस्टर रमेश था, उसने अपने वाइफ को प्रॉमिस किया था फिर उसने कि वो पैसे देगा, फिर उसने रजिस्टर भी करवाया, उसने अग्रीमेंट करवाया, राइटिंग में करवाया, फिर अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बाद क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के सेक्शन 25 के हिसाब से, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के हिसाब से, उस प्रोविजन के हिसाब से इसका आंसर लिखना है, या फिर इस तरीके से लिखना है कि ये एक सोशल अग्रीमेंट है और ये सारी चीज़ों की वजह से ये लीगल इंटेंशन क्रिएट नहीं करना है, ऐसा कुछ आपको लिखना है, या किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. तो प्लीज़ ध्यान से समझ लेना. सबसे पहली बात, जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला सेक्शन 25 वाला, सबको पता है हमको 4 पॉइंट्स उधर थे, नियर रिलेशन होना चाहिए, उसके अलावा रजिस्टर होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, रिलेशन वगैरह वगैरह, तो वो जो पॉइंट्स थे अलॉन्ग विद दैट, ये ध्यान से समझना. ये आंसर मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए. जहाँ पर भी ऐसा सिचुएशन है कि बाबा लीगल कंसिडरेशन जो है भले ही नेचुरल लव एंड अफेक्शन के हिसाब से नियर रिलेशन है, राइटिंग में और रजिस्टर में है, तो भले ही एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं दिया है, स्टिल इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और कोर्ट में आप उसको लेकर जा सकते हो और लॉफुली मतलब लीगली आप उसको एनफोर्स, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो. ऐसा मेरा आंसर है जो कि गलत नहीं है. लेकिन जय आईसीआई बोलकर आपको जो ICA के सजेस्टेड आंसर्स में जो लिखा हुआ है आपको उसी तरीके से लिखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधा लिख देना कि ये सोशल अग्रीमेंट है एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, तो बेसिक एसेंशियली मिसिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कैसे होगा. ये जो आंसर है ये ICA का है. ये आंसर भी गलत नहीं है और ये आंसर भी गलत नहीं है. ये आंसर अगर आप जेन्युइनली अप्लाई करने जाओगे तो ये आंसर ज्यादा सही है, बट आपको अगर एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये आंसर लिखना चाहिए जो ICA ने दिया हुआ है उनके सजेस्टेड में, RTP में हर जगह पर यही आंसर है. आप चाहो तो नीचे एक लाइन लिख देना अल्टरनेटिवली, 1 में कंसिडर इट और ये वाला जो भी है, इस तरीके से आप चाहो तो ये भी आंसर अल्टरनेटिव आंसर लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ टाइम. मुझे लगता नहीं कि किसी के पास लॉ के पेपर में टाइम रह सकता है, तो 1 लाइनर लिखकर आप अल्टरनेटिवली ऐसा लिखकर आप छोड़ देना 1 लाइनर में, बट हाँ अगेन आपको मार्क्स चाहिए तो आपको यही लिखना पड़ेगा. अलोंग विद दैट एक पॉइंट और एक है, इसी पर और एक क्वेश्चन है जहाँ पर एक बेटी होती है जिसको अपने पापा से एक प्रॉपर्टी आने वाली होती है, बट वो सारे जो भी अग्रीमेंट होता है वो राइटिंग में होता है लेकिन रजिस्टर किया नहीं होता है. तो जहाँ पर आप लोग अगर ये क्वेश्चन ये सेक्शन लगाते हो तो ये सेक्शन में बहुत क्लियरली लिखा है कि कोई भी अग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ, तभी आप उसको एक्सेप्शन में लेकर आ सकते हो, अदरवाइज आप एक्सेप्शन में नहीं लेकर आ सकते. तो वो जो क्वेश्चन है आपको मिला होगा फॉर श्योर, आपने जब पढ़ाई करी होगी MTP RTP में कहीं ना कहीं, तो वो जो क्वेश्चन है उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ पर एक पापा को अपने बेटी को एक प्रॉपर्टी देनी है लेकिन बेटी से कोई भी कंसिडरेशन नहीं जा रहा है, एग्रीमेंट है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशन है, राइटिंग में है लेकिन रजिस्टर नहीं करवाया, तो यहाँ पर उसको एक्सेप्शन में मत डालना. वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लॉफुली एनफोर्सेबल नहीं होगा. वाई? बिकॉज रजिस्टर्ड नहीं है. तो ये 2 क्वेश्चंस जो थे उसको मुझे आपको स्पेसिफिकली समझाना था. क्यों? क्योंकि ये थोड़े से ऐसे क्वाइट ट्रिकी टाइप्स क्वेश्चंस है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है लिखे क्या और एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए. तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रही हूँ. ऑल द बेस्ट. कल आपका पेपर है, अच्छे से लिखना, टेंशन नहीं लेना. जितना स्ट्रेस लोगे, स्ट्रेस में पढ़ाई करोगे उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी और पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी. जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रखो और पेपर को फोड़ के आना. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.